मेष राशि 2024 का राशिफल आपको बता रहे हैं, वार्षिक राशिफल है ये। पूरे वर्ष भर आपको कैसा परिणाम मिलेगा, शुभ क्या आपके साथ होगा, क्या अशुभ होगा, इसके हिसाब से आपको फलादेश बताएंगे और आपको 6 बिग अपडेट भी बताएंगे इसके दौरान, जिससे आपको फ़ायदा ही होगा। तो पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखना। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूं। आप यूं ही प्रोग्रेस करते रहें, यह ब्लेसिंग्स देते हुए आज का वीडियो शुरू करती हूं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। मित्रों, जानकारी देना प्रारंभ करूँ उससे पहले 1 जनवरी का आपको ग्रह स्थिति बता देती हूँ। 1 जनवरी 2024 को क्या ग्रह स्थिति होने वाली है। 1 जनवरी 2024 को सोमवार है और सूर्य रहेंगे धनु राशि में, चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में, मंगल रहेंगे धनु राशि में, बुध रहेंगे वृश्चिक राशि में, गुरु मेष राशि में मार्गी हैं, मार्गी होंगे मतलब 1 जनवरी के बाद या 1 जनवरी को ही माने। वृश्चिक राशि में शुक्र हैं 1 जनवरी को और शनि देव कुंभ राशि में है और राहु मीन राशि में है और केतु देव कन्या राशि में है। मेष राशि को अंग्रेजी में एरीज कहा जाता है और इसका नामक्षर है चू चे चो ला ली लू ले लो आ। जिनका नामक्षर इन नामों से है, इनकी मेष राशि है यानी एरीज है। तो इनके लिए वार्षिक जो राशिफल है 2024 की गणना हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। ये वर्ष आपके लिए औसत से ऊपर रहेगा, शुभ परिणाम अधिक मिलेंगे, अशुभ परिणामों की नगण्य मात्रा रहेगी। अशुभ आपको नहीं मिलेंगे परिणाम इस वर्ष, शुभ ही शुभ आपके साथ होगा। लेकिन कुछ ऐसी डेट हैं जिनको आप सावधानी रखेंगे तो हर बुरी बला से बचे रहेंगे, परेशानी से बचे रहेंगे, उनकी जानकारी भी इस वीडियो में देंगे। आपके लिए ये वर्ष बहुत स्फूर्ति वाला रहेगा, बहुत एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा और किसी भी काम को करने से आपको सुख मिलेगा, आनंद की प्राप्ति होगी और उत्तम वस्त्र की प्राप्ति और मान सम्मान भरपूर मात्रा में आपको इस वर्ष मिलेगा। आपका बौद्धिक विकास होगा और सफलता हर क्षेत्र में मिलेगी, मनोबल ऊंचा रहेगा। तो आपको सोच समझ के हर काम करना चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझेंगे समझे भी करेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी इस वर्ष। अगर आप नए वर्ष में मान सम्मान पाना चाहते हैं तो लाल रंग अधिक पहने, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें। ऐसा करने से आपको मान प्रतिष्ठा इतनी ज़्यादा मात्रा में मिलेगी समाज से, जिसकी कोई हद ही नहीं है। भाग्य के सहारे भी आपको सपोर्ट मिलेगा और रुकते रुकते काम भी बनेंगे और आपको सफलता हर क्षेत्र में मिलेगी। संतान पक्ष से सुख और सहयोग मिलेगा आपको। स्टडी करने वाले लोगों का मन पढ़ाई में कम लगेगा तो उनको चाहिए कि ध्यान पढ़ाई की ओर ही लगाएं, जिससे आपका रिज़ल्ट अनुकूल हो। इस महीने मतलब इस वर्ष आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपको धार्मिक आयोजन करने का मौका मिलेगा, कराने का मौका मिलेगा, तीर्थ यात्राओं का लाभ आपको मिलेगा। कारोबार धंधे की अगर योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी इस वर्ष। कर्तव्य हमेशा करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। भाग्य की उन्नति होगी और सत्पुरुषों का आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे बिना रुके आपके काम पूर्ण होंगे। फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रहेगा, घर में फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रहने से लग्जरियस शॉपिंग होगी। कोई कार इत्यादि की खरीदारी आपके लिए मामूली बात है, आप खरीद पाएंगे। और भौतिक सुख सुविधाओं की श्रेणी में जो चीज़ आती है वो आपको मिलेगी। विदेश यात्रा का योग है, विदेश यात्रा भी आपको अच्छी खासी अर्निंग देगी और लाभ देगी। लेकिन आपको
अपने मूलांक आपको ध्यान रखना चाहिए, अपनी जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप कोई भी काम करें तो आपको सफलता मिलती है, और प्रतिकूल जो आपकी डेट है, लकी नंबर नहीं है, उन तारीखों को अवॉइड करें तो आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी। और प्रतिकूल नंबर को आप कोई भी काम ना करें, सावधानी से पूर्वक काम करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो कुल मिला के ये वर्ष आपके लिए औसत से ऊपर है और आपको शुभ घटना ही आपके जीवन में अधिक होंगी। और अपना भाग्योदय करने के लिए आप लाल रंग का प्रयोग अधिक करें, तांबे का प्रयोग अधिक करें, तांबे की रिंग इत्यादि पहने, आपको लाभ होगा। भगवा कलर भी आपके लिए लकी है, भगवा कलर का प्रयोग करें और लाल रंग का प्रयोग करें तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपकी एनर्जी लेवल हाई होगा। आपके लिए शुभ खाद्य गेहूं बना है और चावल बना है, इनका प्रयोग आप जितना अधिक करेंगे उतना अधिक आपको लाभ होगा। अगर आप गेहूं और चावल का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसके बदले बाजरा और मक्का भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो इन चीज़ों का प्रयोग करें और सफलता आपके चरण चूमेगी, देश विदेश में आपकी ख्याति होगी, आपको हर क्षेत्र में सफलता और उन्नति मिलेगी। थैंक यू सो मच।